राधे राधे दोस्तों, और स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। तो अभी टाइम हो रहा है दोस्तों सुबह के 10:30, और आज है दोस्तों गणेश चतुर्थी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। काफ़ी टाइम बाद फाइल की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आने के बाद आज हम जा रहे हैं भैरव ज्योति जी के दर्शन करने, क्योंकि सिस्मा रोड पर मंदिर है बहुत सुंदर, और वहाँ पर पास में ही है एक सिस्मा डैम। ये बैठी है पाइल, तो काफ़ी टाइम बाद देख रहे होने आप भी पाइल को ब्लॉग में, और लगभग 3-4 महीने बाद ही कोई ब्लॉग डाल रहा हूँ मैं भी चैनल पर। शादी के बाद एक ही ब्लॉग डाला है शायद मैंने, एक या दो। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं शादी के बाद ज़िंदगी में, खासकर लड़की की ज़िंदगी में, और की लड़की की ज़िंदगी में भी आते हैं चेंज आते हैं, दोनों की ज़िंदगी में काफ़ी चेंज आते हैं। खुश है आज? बहुत। कितना खुश है? बहुत ज़्यादा खुश है। खाना बना बना के बोर हो गई थी। आज मेरे को कह रही थी अगर खाना तभी मिलेगा अगर मेरे को कहीं लेके जाओगे घुमाने। मैं कहा ठीक है, घुमाते नहीं है, चल आज तेरे को मंदिर ले चलते हैं, उसके बाद घूम लेते हैं हम कहीं पर। पहुंच गए हैं भैरव ज्योति जी के मंदिर, सामने बिल्कुल मंदिर है, और लगभग 10 मिनट में यहाँ पहुंच गया ना। और पायल यहाँ पहली बार आई है, पायल को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है आसपास की जगह, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। तो आज शनिवार है ना, तो आज इतनी भीड़ नहीं है, कल काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी यहाँ पे संडे वाले दिन। ये है जी सामने भैरव ज्योति जी की प्रतिमा, जो महादेव का ही एक अंश है, अवतार है। और ये है जी मंदिर का प्रांगण, और ये सामने सड़क है, और ये रही पायल। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, खुश हो गया मन। अब तो नहीं परेशान करेगी मेरे को? फिर ठीक है, चला चलते हैं, पहले प्रसाद ले लेते हैं फिर चलते हैं आगे मंदिर में। तो हमने प्रसाद ले लिया है, 60 रुपये का मिला है हमें, इसमें तेल की बोतल है, छोटी सी धूप है, और थोड़े से वो प्रसाद मखाने वगैरह। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मंदिर जाएं तो सर पे कपड़ा जरूर बांधें, क्योंकि हम गुरुद्वारे भी जाते हैं कपड़ा बांध के रखते हैं, मंदिर भी जाएंगे तब भी हमें कपड़ा बांध के रखना चाहिए सिर पर। और अभी लोग आने लग गए हैं धीरे धीरे। ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं जी, ये है दोस्तों भैरव ज्योति जी का मंदिर, पंडित जी बैठे हैं अंदर। ये सामने है दोस्तों भैरव ज्योति जी की प्रतिमा पिंडी, और साथ में माता दुर्गा जी के, है ना पंडित जी, और साथ में भैरव जी का दूसरा अवतार है, और शिव जी का ये अवतार है बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा बता देंगे मंदिर के बारे में? देखो जी, मंदिर की वो लिखत तो है नहीं। हाँ जी, मंदिर फिर भी 400-500 साल पर कह सकते हैं। अच्छा जी, मंदिर जो है बनाया गया है। अच्छा जी, और मूर्ति की स्थापना की गई है। अच्छा, किन के द्वारा, कुछ नाम पता है? ये राजे महाराजों के टाइम की। इस जगह का नाम क्या है वैसे? सिस्मा। सिस्मा, अच्छा जी। आपको कितना समय हो गया यहाँ पे सेवा करते हुए? बचपन से ही है, हमारे पिताजी पहले सेवा करते थे, हम पारिवारिक है आपका, चल रहा है तो आप ही के, मतलब आप ही संभालते हो सारा मंदिर यहाँ पे? अच्छा, देखा
ये थोड़ा सा निकाल के प्रसाद ही खाएगा, इसको डाल दे। अच्छा ये वाला दे, लड्डू तो दे दे। अच्छा खा गया, खा गया। ये वाले खा जाते, मिट्टा हमारे तो खाते ही नहीं बिल्कुल ही। डोली खाती है, खा जाती है। दोस्तों हमने दर्शन कर लिए भैरव ज्योति जी के, तो काफी सुंदर जगह पे ये मंदिर बना। और मैं दूसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे। पायल से पूछते, पायल कैसा लगा यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने घर नहीं जाना। घर नहीं जाना? नहीं। यारी मैंने घर ही जाना, यहीं बैठना है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है और भैरव ज्योति जी का मंदिर है। जो लोग कुत्तों को पत्थर मारते फिरते ना, या फिर जो लोग ये कहते हैं कि जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनको ही भगाओ या मतलब पसंद नहीं करते, तो जरा देख लेना ये मंदिर है। और साथ में देखना भैरव ज्योति जी के साथ कौन सा जो जानवर है वो खड़ा है, कुत्ता है वो। तो मतलब हमारे सनातन में जो भी जीव जंतु हैं उसके लिए स्थान प्राप्त है घर। मतलब उनको हमें कोई अधिकार नहीं उनको मारने का। अगर हम उन्हें खाना नहीं दे सकते तो हम उन्हें मार भी नहीं सकते। तो देख लो मतलब हर जीव जंतु की हमारे धर्म में जो है वो पूजा होती है। तो इससे बढ़िया फिलोसफी कहीं भी नहीं हो सकती दुनिया में। ये देखिए इनकी सबसे विशालकाय प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है पूरे मंदिर में भैरव ज्योति जी की, जो कि शिव जी का ही एक अंश है, शिव जी का ही एक अवतार मान सकते हो। तो ये नीचे पार्किंग है और ये सामने यहाँ से सिसमा डैम भी दिखाई दे रहा है। वो सामने सिसमा डैम है, खैर नीचे जाके दिखाऊंगा आपको। और ये जहाँ से हम आए हैं उस वाली साइड का एरिया है। इस तरफ को चंडीगढ़ है आगे। लंगर की व्यवस्था भी होती है शनिवार और रविवार को, खाना लंगर चल रहा है अभी यहाँ पे। और ये है जी मंदिर का दृश्य, सुंदर सा मंदिर है। ये है जी छोटा सा मंदिर गोलाकार में, साथ में पीछे ये भंडारा भवन है। पानी की भी टूटियाँ यहाँ पे। और अभी जो है वो यहाँ पे लंगर चल रहा है। आसपास पहाड़ियाँ हैं छोटी मोटी। दोस्तों दर्शन हो गए हैं और जा रहे हैं वापस। भैरव ज्योति जी के दर्शन कर लिए हैं। और हमारे घर में तो तीन कुत्ते वैसे ही आते रहते हैं, हम तो उनको रोटी डालते ही रहते हैं। तो शायद यहाँ बुलावा था उनका, तो हम आज आ गए। जय भैरव बाबा जी की। मंदिर के साथ में है दोस्तों सिसमा डैम। तो यहाँ पे डैम के नज़ारे देखते हैं और यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है और आपको भी दिखाएंगे यहाँ के नज़ारे। और ये यहाँ की कुछ डिटेल्स हैं, यहाँ की टाइमिंग है, सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, जो चीज़ अलाउड है और जो चीज़ नहीं अलाउड है। और यहाँ पे अपनी एक्टिवा पार्क कर दी है। और ये सामने है सिसमा डैम और इसको इतनी जल्दी लगी है ना, मेरे को ब्लॉग भी नहीं करने दे, कह जल्दी चलो जल्दी चलो। तो ये है दोस्तों सिसमा डैम, इधर पास में सामने ये भैरव ज्योति जी का मंदिर। और सिसमा डैम का पानी जो है वो हल्का हल्का ब्राउन है और इसमें बोटिंग भी हो रही है। और कुछ इस तरह का नज़ारा है, सामने पूरा ट्रैक बना हुआ है। कैसा लग रहा है पायल? बस अच्छा लग रहा। आज काफी दिनों बाद लड़की को घुमाया भाई मैंने, है ना, खुश होगी लड़की आज। लड़की ने पायल ने मेरे को ताने मार मार के पागल कर दी, मेरे को घुमाते नहीं, बस जॉब पे जाते रहते हो, घुमाते नहीं। तो घर पे बिठाई रखते हैं। सुबह हमने जल्दी आना था, बारिश होने लगी, इसका फिर मूड ख़राब हो गया। फिर बाद में बारिश रुकी, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर हमने कहा भी चलो अब जाके आते हैं, रुकी गया है। और आज मेरे ब्रेकफास्ट की छुट्टी थी। आज मैंने बनाया था सुबह ना, ब्रेड पकौड़े बनाए मैंने, तो सबको खिलाए मैंने फैमिली में। तो फिर इसको घुमाने भी लाया, देखा कितना काम कर रहा हूँ आजकल मैं, फैमिली में बिजी हो गया हूँ। तो भाई साहब जिसकी शादी नहीं हुई है फिर तो ठीक है, लेकिन जब हो जाएगी आपको अपने आप पता लग जाएगा। ऐसी दोस्तों यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट ही रुके हैं क्योंकि धूप आ रही है बार बार और मेरे से तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती अब, और इससे भी नहीं हो रही है। तो हमने यहाँ पे फोटोज़ खींची हैं, वापस जा रहे हैं अब घर। मेन था मंदिर में आके दर्शन करना, वो कंप्लीट हो चुका है, अब घर जा रहे हैं। अगली बार देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। तो बस जाते रहे, वीडियो नहीं बनाएंगे ज़्यादा। आपको पता ही क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, बाय।